हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रैक्टिकल विथ इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज हम बात करने वाले स्टेशन सर्विस स्विच गियर पैनल के बारे में। दोस्तों जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये पहली बस जिसका नाम 8A है और ये आपको दूसरी बस दिख रही होगी जिसका नाम 8B है। यह डायरेक्ट हमारी स्टेशन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्टेड है जिसका वोल्टेज 6.6 KV है। ये बस भी 6.6 KV पे ऑपरेट होती हैं। अगर आप ST का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, ये ST स्टेशन सर्विस ट्रांसफार्मर जिसका प्राइमरी साइड का वोल्टेज 6.6 KV है और ये देखिए हमारा इसका सेकेंडरी साइड जिसका वोल्टेज 415 वोल्ट है जो हमारे स्टेशन सर्विस स्विच गियर से कनेक्टेड है। ये देखिए यहाँ पे आइसोलेटर लगे हुए हैं, नीचे हमारी रिले लगी हुई हैं। ये देखिए इनकमर फ्रॉम SST8B यानी स्टेशन सर्विस ट्रांसफार्मर 8B जो ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, यहाँ से आइसोलेटर यानी सप्लाई यहाँ से कनेक्ट करने के लिए दिया गया है। देख लीजिए वीडियो को ध्यान से। ये देखिए फीडर टू स्टेशन ACDB यानी ये फीडर टू है स्टेशन AC डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए। ये कंट्रोल सप्लाई मॉड्यूल के लिए है। यहाँ पे देखिए ये ऑपरेटिंग कंडीशन में है। यहाँ पे ये सारे हमारे स्विचेज हैं। वोल्टेज मेजरिंग के लिए वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये देख लीजिए ये हमारी कितनी जगह सप्लाई गई है, यहाँ से इसमें सारी मेंशन है। यहाँ से ये देख लीजिए 20 में बस कपलर लगा हुआ है। ए साइड का ट्रांसफार्मर अलग है और बी साइड का ट्रांसफार्मर अलग है। अगर बाय द वे हमारा कोई ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो बस कपलर को कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा एक ट्रांसफार्मर ही पूरे लोड को शेयर कर लेता है, इसीलिए बस कपलर हमारा लगाया गया है। ये देखिए नीचे रिले है, बस कपलर है हमारा। ये देखिए ये स्टेशन सर्विस स्विच गियर 8 है, 3000 एम्पियर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज 4 वायर ये भी है। नॉर्मली हम इस पर लोड कम देते हैं क्योंकि इसका जो चार्ज आता है स्टेशन ट्रांसफार्मर का वो हमें बोर्ड को देना पड़ता है, इसलिए हम इस स्टेशन ट्रांसफार्मर पर लोड कम देते हैं। ये देख लीजिए ये देखिए SSTA स्टेशन सर्विस ट्रांसफार्मर 8A है जो हमारी बस A से इसके प्राइमरी साइड में 6.6 KV आई है और इसका सेकेंडरी साइड 415 वोल्ट है जो हमारी स्टेशन सर्विस स्विच गियर के दूसरी साइड कनेक्टेड है। ये देखिए यहाँ से ये इसका सेकेंडरी साइड है और ये स्टेशन सर्विस स्विच गियर के सेकेंडरी साइड मतलब दूसरी साइड में कनेक्टेड है। ये देखिए इनकमर फ्रॉम SST8A यानी अगर हमें इस ट्रांसफार्मर को अलग करना है तो इसके लिए आइसोलेटर दिया है, यहाँ से अलग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आइसोलेटर और लगे हुए हैं। ये MCC से भी सप्लाई आई हुई है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से कंट्रोल सप्लाई मॉड्यूल जहाँ जहाँ हमारे सप्लाई गए हैं वहाँ हमारे मेंशनड है इस पैनल में। और ये देखिए ये हमारा बस कपलर हमने बताया ही, एक साइड में SST A लगा है और दूसरी साइड में SST B लगा है। ये दोनों ट्रांसफार्मर हमारे हाफ हाफ लोड को शेयर कर रहे हैं। बाय द वे हमारा कोई ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है या बंद हो जाता है तो एक ही ट्रांसफार्मर दोनों तरफ के लोड को शेयर करने लगता है बस कपलर के लगाने पर। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।